केंद्र से लेकर राज्य में सरकार किसी की भी हो, पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हम देख रहे हैं सियासी बयानबाजी हो रही है और हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए, बीजेपी ने भी इसी तरह पूरी तैयारी कर ली है वापसी के लिए। यूपी की सियासत में अमेठी का बड़ा अहम रोल है। लंबे अरसे तक लोकसभा की इस सीट पर गांधी परिवार के पास रहना इसको और भी खास बनाता है, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अपने ही गढ़ अमेठी में हार गए। ये हार कांग्रेस के लिए किसी तूफान की तरह आई, शायद अब तक पार्टी इस हार से उबर नहीं पाई है। अब सवाल उठता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमेठी का वोटर क्या सोच रहा है। देखिए मेरे सहयोगी कुंदन सिंह की रिपोर्ट। जब जब अमेठी का जिक्र आएगा, गांधी परिवार से इस शहर के रिश्तों की बात जरूर होगी। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले की अमेठी और फिर उसके बाद की यानी राहुल गांधी की अमेठी और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी, सवाल यह है दोनों अमेठी में क्या कोई अंतर है। चुनावी माहौल में इसी सवाल के साथ टाइम्स नाउ संवाददाता कुंदन सिंह अमेठी के दिल यानी गौरीगंज पहुंचे और अमेठी के वोटरों की नब्ज टटोली। 2003 में पहली बार मायावती के दौर पे इसको जिला बनाने की कोशिश की गई थी और नाम रखा गया था छत्रपति साहू जी महाराज डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद यहाँ पे जिला निरस्त कर दिया गया 2010 में। आखिरकार अमेठी जिले के रूप में लिया और अब जाकर एक तरह से जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, कलेक्ट्रेट से लेकर जिला अस्पताल से लेकर पुलिस लाइन से लेकर तमाम जो प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा। बीजेपी कहती है अमेठी का सिर्फ सांसद नहीं बदला बल्कि शहर बदल गया है। दावा यह है कि सालों से सिर्फ नाम के लिए वीवीआईपी निर्वाचन क्षेत्र रहने वाली अमेठी अब उस बदलाव को महसूस करने लगी। अमेठी वाकई कुछ बदला है? निश्चित रूप से दीदी स्मृति जी के आने पे अमेठी पूरी तरीके से बदल गया है, कुछ नहीं पूरी तरीके से बदल गया है। जब से कांग्रेस सरकार थी कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, जब से दीदी आई है बहुत विकास। पेरिस बन गया क्या? मतलब सड़कें अच्छी हो गई क्या? बनी बगैर पेरिस बनने की तैयारी बन रही है। स्मृति ईरानी दीदी आई जब से काफी काम विकास का हुआ है, अच्छा क्षेत्र में सुधार हुआ है, जो भी आवश्यकताएं थी लगभग लगभग पूर्ण कर चुकी है। जब से यहाँ आई है तब से लगातार उन्होंने अमेठी को अपने घर की तरह मानकर यहाँ का विकास किया है। राहुल गांधी घर की तरह नहीं मानते थे क्या? उनके लिए तो अगर वो अपने अमेठी को अपना घर मानते तो यहाँ कुछ हुआ होता। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में नारा दिया था ये लड़ाई नामदार बनाम कामदार के बीच की है। अब सवाल उठता है बीते 3 सालों में अमेठी में क्या नया हुआ। बीजेपी के पास अमेठी में हुए विकास कार्यों की लिस्ट लंबी है। मुसाफिरगंज का बस अड्डा, कलेक्ट्रेट कार्यालय को नया भवन, सॉइल टेस्टिंग सेंटर, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मेडिकल कॉलेज के साथ नया आयुष अस्पताल, 2 फ्लाईओवर, अमेठी बाईपास, सैनिक स्कूल खुला, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट को दीदी ने चलवाया, रेलवे स्टेशन जो एक कमरे में चलता था अमेठी का रेलवे स्टेशन पूरी बिल्डिंग बनवाया उन्होंने, और मेडिकल कॉलेज हो गया, 200 बेड का तिलोई में हॉस्पिटल हो गया, आयुष हॉस्पिटल हो गया, अस्पतालों का जीर्णोद्वार हुआ, 5-5 ऑक्सीजन जो कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे तो दीदी सब कुछ छोड़कर, सबसे बड़ी बात जो जुड़ाव की बात होती है जब लोगों के जीवन के साथ है, यहाँ कोरोना में संकट का समय था तो दीदी अपने जीवन को संकट में डालकर लोगों से मिलने आई। कुछ और भी उम्मीदें तो होगी आप लोगों की, ये हमारा एक महिला कॉलेज खुल जाता, एक प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज खुल जाता, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाता, कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट है जो नहीं हुआ है? सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसी कई शिक्षण संस्थाएं दीदी ने खुलवाई हैं, लेकिन एक महिला विद्यालय अभी खुलना जरूरी है। अमेठी के विकास के दावे बहुत हैं, उतने ही इन दावों को खारिज करने वाले, लिहाजा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने लिस्ट में शामिल कुछ जगह पर जाकर सच्चाई समझी। सबसे पहले पहुंचे जिला अस्पताल।